जय हिंद इन दिस लेक्चर लेक् स्टडी एक्साइटेशन टेबल करेक्टरिस्टिक टेबल एंड स्टेट डायग्राम फॉर टी फ्लॉप फर्स्ट बीबिल स्टडी टेबल फॉर टी फ्लॉप टी फ्लॉप को हम जेके फ्लॉप से बनाते हैं अगर जेके में हम सेम इनपुट्स अप्लाई करते हैं देन इट विल कन्वर्ट इन टी फ्लॉप एट ए टाइम टी फ्लॉप के टू वेरिएबल होते हैं वन इज प्रेजेंट इनपुट टी जो प्रेजेंट में इनपुट अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट स्टेट क्यू एन प्रेजेंट स्टेट इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिपलॉप ड्यू टू प्रीवियस इनपुट और इट इज ए आउटपुट ऑफ फ्लिप्लॉप जस्ट बिफोर अप्लाइंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग दिस इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग इस एज ट्रिगरिंग से पहले जो फ्लिप्लोप की आउटपुट मिलेगी उसको प्रेजेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ही एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं देन अकॉर्डिंग टू तो प्रेजेंट जो हमें नई आउटपुट मिलती है उसको नेक्स्ट स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो देर आर टू वेरिएबल टी एंड क्यू एन एं। अगर प्रेजेंट इनपुट जीरो होती है तो उस केस में प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है या फिर वन इसी तरह से अगर प्रेजेंट इनपुट वन होती है तो उस केस में प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है या फिर वन देय आर टू वेरिएबल तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन आर वी विल राइट वैल्यू फॉर नेक्स्ट स्टेट दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप अगर टी में जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट विल एक्ट एज ए मेमरी तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट इसी तरह से अगर टी में वन अप्लाई करते हैं तो टॉगलिंग एक्शन होगा जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा जैसे इस केस में टी में जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी टी में जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन मिलेगी टी में वन अप्लाई करते हैं तो टॉगलिंग होगी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी स्टेट यहां पर जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट वन मिलेगी इसी तरह से टी में वन अप्लाई करते हैं होगी पर स्टेट वन है तो नेक्स्ट डेट वन कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा नो वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर क्यू एन प्लस वन बी विल यूज एसओपी बुलियन अलजेब्रा बी आर गेटिंग आउटपुट वन एट दीज प्लेसिसन कोरस्पॉन्डिंग मिटरम विल बी जीरो को वार लिखेंगे वन को क्यू एन प्लस फॉर दिस वन वन को टी लिखेंगे जीरो को क्यू एन बार दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर क्यू एन प्लस वन इट इज इक्वल टू टी एक्जोर क्यू एन एक्चुअल में दिस इज एक्सोर ऑपरेशन एक्जोर ऑपरेशन में आउटपुट वन तब मिलती है जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी जीरो पर दोनों इनपुट सेम है इनपुट सेम है तो आउटपुट जीरो है तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा वो टी और क्यू एन के बीच में एक्सोर ऑपरेशन होगा नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन टेबल हमारे पास है प्रेजेंट स्टेट और जो हमें नेक्स्ट डेट चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया है अब जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग क्लॉक में अप्लाई होगी उस टाइम पे प्रेजेंट में कौन सी इनपुट अप्लाई करनी है इसको हम एक्साइटेशन टेबल से देखते हैं एक्साइटेशन टेबल को हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से बनाते हैं तो व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल तो देर आर टू स्टेट प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट देर आर टू वेरिएबल हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइंडरी फोर जीरो 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 स्टेज जीरो है और नेक्स्ट डेट हमें जीरो चाहिए दिस इज ए कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है तो टी में जीरो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेज जीरो नेक्स्ट डेट वन प्रेजेंट स्टेट जीरो नेक्स्ट डेट वन टी में वन अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट वन नेक्स्ट डेट जीरो स्टेट वन और नेक्स्ट डेट जीरो तो टी में वन अप्लाई करेंगे इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट वन और नेक्स्ट स्टेट हमें वन चाहिए तो टी में जीरो अप्लाई करेंगे दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लॉप क्लास यहां पर देखो प्रेजेंट स्टेट है जीरो प्रेजेंट स्टेट हमें दी हुई है जीरो नेक्स्ट स्टेट हमें चाहिए वन तो टी में कौन सी इनपुट अप्लाई करेंगे वन अगर टी में वन अप्लाई करते हैं दिस इज ए ट्रुथ टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप अगर टी में वन अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट होगा वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहां पर प्रेजेंट स्टेट जीरो हमें चाहिए था प्रेजेंट स्टेट जीरो था और नेक्स्ट स्टेट हमें वन चाहिए था अब इस केस को डिस्कस करते हैं प्रेजेंट स्टेट है वन और नेक्स्ट स्टेट हमें वन चाहिए प्रेजेंट स्टेट वन है और नेक्स्ट स्टेट हमें वन चाहिए अब जैसे ही नेक्स्ट एज ट्रिगरिंग अप्लाई होगी तो उस टाइम पे प्रेजेंट में कौन से इनपुट अप्लाई करनी है इसको एक्साइटेशन टेबल से देखते हैं तो टी में जीरो अप्लाई करेंगे टी का ट्रुथ टेबल देखते हैं अगर जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट डेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट सिंपली टी फ्लिप फ्लो बिल एक्ट एज ए मेमरी तो यहां पर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट डेट क्या मिलेगी वन सेम ही तो हमें चाहिए था प्रेजेंट स्टेट वन और नेक्स्ट स्टेट वन चाहिए था

इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है जीरो अगर टी में वन अप्लाई करते हैं तो टोगलिंग होगी टोगलिंग का क्या मतलब है जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा प्रेजेंट स्टेट जीरो कॉम्प्लीमेंट वन दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट तो अगर टी में वन अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट हमें यह मिलेगी सेम अब वन के लिए डिस्कस करते हैं दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट अगर टी में जीरो अप्लाई करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट के इक्वल ही मिलेगी दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट तो नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट अगर टी में अप्लाई अप्लाई करते करते हैं हैं इसी तरह से प्रेजेंट स्टेट है अगर टी में one अप्लाई करते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी प्रेजेंट स्टेट वन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा तो नेक्स्ट स्टेट ये मिलेगी अगर टी में वन अप्लाई करते हैं दिस इज ए स्टेट डायग्राम फॉर टी फ्लिप फ्लॉप